इमोशनल वेलनेस की सबसे ज्यादा बात हो रही है आज, और लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत भी उसकी है। तो आप हमें अपने विचार बताइए उस पर, इमोशनल वेलनेस के बारे में मामले में हमें क्या करना चाहिए। पॉइंट सिर्फ ये है कि ये अगर मैं अपने 7 साल के बच्चे से पूछूं कि तुम बताओ मुझे कि क्या है, यू नो लाइक हाउ शुड बी, व्हाट शुड बी ईट, व्हाट शुड बी नॉट ईट, हाउ इज द राइट वे टू लिव, वो मुझे बताएगा योगा करना चाहिए, हमें प्राणायाम करना चाहिए, हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, और हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो ज़्यादा फैटी नहीं होती हैं, फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए। बट आज हम इस शो पे एक और उससे डीपर लेवल पे जाते हैं कि हम सबको ये प्रॉब्लम पता है, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को डील कैसे कर रहे हैं। हम उस प्रॉब्लम से निकल के, हम सबको पता है कि अच्छी चीजें खानी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट उस चीज को कर क्यों नहीं पा रहे। Why are we not able to do it? You know, because our mind is so occupied with our external situations, our external conditions, that we have forgotten that what is the right way for me. अब अगर कोई जंगल में है, और जंगल में हम पहले रहा करते थे, अगर शेर आता था तो हम भागते हैं बचाने के लिए अपने आप को, राइट? हम ये नहीं सोचते कि मुझे हेल्दी खाना चाहिए उस समय, हमें ये चीज करनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज और योगा करना चाहिए, हम सिर्फ भाग रहे होते हैं अपने आप को उस शेर से बचाने के लिए। आज के टाइम में शंकर जी या किशोर जी, हम ये लाइफ लीड कर रहे हैं जहाँ हमें ये नहीं पता कि वो जो स्ट्रेस हम ले रहे हैं वो एक शेर बन गया, क्योंकि अब हम जंगलों में नहीं रहते, तो द कुलीग हैज बिकम दैट शेर, सो द बॉस हैज बिकम दैट लायन, यू नो, एंड वी आर जस्ट रनिंग एंड वी आर हैंडलिंग ऑल दैट स्ट्रेस, एंड देयरफॉर आवर फोकस इज कंप्लीटली आउट ऑफ व्हाट वी नीड टू डू फॉर आवर लाइफ।